सो आई थिंक दिस इज़ मोर देन 1000 ईयर्स ओल्ड स्टेप वेल। एंड ऐसे बोलते हैं कि अबेर में राजपूत आने के पहले जो मीना डायनेस्टी थी ये उन्होंने ही बनवाया है, ऐसे बोलते हैं। दैट इज़ वन दंत कथा। दी अदर वन इज़ यहाँ पे जो आमेर के राजा थे उन्होंने जिनको ये बनाने दिया था स्टेप वेल, वो उनका नाम था पन्ना मीना। सो उन्हीं के नाम से इसका नाम रखा गया है पन्ना मीना कुंड। यहाँ पे भी प्री वेडिंग शूटिंग चल रहा है और यहाँ पे जाना अलाउड है नहीं वैसे, नॉट श्योर इफ दे हैव टेकन एनी परमिशन। पुलिस तो वहाँ पे बैठे हैं। एनीवेज तो यहाँ पे आप आ सकते हो इफ़ यू आर गोइंग टू आमेर फोर्ट, और आमेर फोर्ट करने के बाद यहाँ पे आ सकते हो। इधर वेज हम लोग आमेर फोर्ट करने के बाद यहाँ पे आए हैं क्योंकि वहाँ पे पहले जितना एनर्जी स्पेंड कर सकते हैं करना ठीक समझा हमने। नाउ बची कुछ एनर्जी के साथ ये थोड़ा सा कवर करके विल गो टू जल महल। और इसका हिस्ट्री तो इतना नोन नहीं है, बट यही है कि लोग यही समझ रहे हैं ये दो जो चीज़ें मैंने बोली। सो ऐसा भी कहा जाता है कि दिस पर्टिकुलर बावड़ी और स्टेपवेल इज़ कनेक्टेड टू द वेरियस टनल्स, मतलब ये सारे पहाड़ों से जो भी पानी आता है दैट गेट्स कलेक्टेड हियर। जस्ट नाउ यू सॉ वो गार्ड ने बोला कि आम आदमी नहीं जा सकता यहाँ पे, लेडी को इन्होंने बाहर जाने बोला प्री वेडिंग शूटिंग के लिए, मे बी दे आर चार्जिंग, सो इनको परमिशन मिला है। बट एनीवेज बैक टू द हिस्ट्री। सो ये सारे जो पहाड़ हैं आई थिंक मोस्टली अमर फोर्ट साइड से देर आर टनल्स दैट आर कनेक्टेड टू दिस बावड़ी। प्लीज सागर लेक जो ये पीछे है मोस्टली आपने उसको कल के वीडियो में देखा होगा, तो वहाँ से यहाँ पे कनेक्टेड है पानी। वहाँ से जब पानी भर जाता है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो फ्लो होके आता है। ये आगे जाके कहीं तो मंदिरों में कनेक्टेड है, मोस्टली वाटर बॉडीज है वहाँ पे ये कनेक्टेड है। तो अगर पानी जब खाली होता है तो ऐसे बोलते हैं कि पहले सागर लेक खाली होता है और उसके बाद यहाँ पे और देन वहाँ पे, क्योंकि उस तरह से ही पानी कनेक्टेड है। दैट इज़ व्हाट आई हैव हर्ड। बट एनीवेज आर्किटेक्चर वाइज इट इज़ सुपर्ब। आपने ऐसे सारे स्टेप वेल्स बहुत सारे देखे होंगे, हम्पी में भी देखा होगा अपने, साउथ इंडिया में तो भर भर के है। यहाँ पे अगर आओगे तो विजिटिंग दिस प्लेस इज़ वर्थ। एक अपनी धरोहर है, 1000 ईयर्स से भी पुराना आर्किटेक्चर है और उस टाइम पे लोग कैसे सोचते थे दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अगर आप देखोगे तो zigzag तरीके से स्टेप्स बनाए हुए हैं सो दैट यू नो यू कैन एक्सेस द वाटर फ्रॉम एनी पॉइंट और एनी टाइम नो मैटर व्हाट द लेवल ऑफ द वाटर इज। तो उस हिसाब से ये बनाया गया है। सुपर ओके। सो अभी मुझे पता चला है कि दे हैव टेकन द परमिशन। आमेर फोर्ट से परमिशन मिलती है, अराउंड 5000 रुपीज़ फी है, आम आदमी को नहीं जाने मिलता। तो इफ़ यू वॉन्ट टू गो देयर यू हैव टू पे 5000 रुपीज़। इस प्लेस को टाटा गुड बाय बोलते हैं। और एंड नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स जल महल। सो लेट्स सी जल महल कैसे है, बट इट्स अ वेरी नाइस प्लेस। लेट्स गो। That elephant has just jumped the red signal. This is not okay. कितना cute है यार वो हाथी सच्ची में। Superb. So this is where we had lassi. This is lassi wala. This is also lassi wala and that is also lassi wala. But I think that is original lassi wala. And it is closed right now. ये दोनों चालू है तो हमने यहाँ पे पिया। I don't know taste कैसा रहेगा, तीनों में कैसा difference है, but इसका लस्सी पिया and it was nice. So let's see. Now we will be heading towards hotel. और हम लोग अभी bike return करेंगे. This beautiful lady will be saying goodbye to us. Not this one, this one. चलो ये यहीं पे नज़दीक है, सर्कल से आगे है। नहीं 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 कोई नहीं, अभी तो हो गया, स्कूटर पे घूम के ये सब चलेंगे। ये यहाँ पे है सर्कल, बताओ कौन सा? ये अपना कोर्ट वाला सर्कल है ना, उसके आगे यहाँ पे अंदर जाके। हाँ अंदर जाके यहाँ पे 80 रुपये लगूंगा। 80 रुपये
80 ठीक है सर, ठीक है। हाँ 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 ओके, सो वी हैव रिटर्न द बाइक एंड नाउ वी आर इन द ऑटो। वी आर गोइंग टू सी द साउंड एंड लाइट शो एट द अमेर फोर्ट। राइट नाउ वी आर इन द ऑटो ऑफ महेंद्र जी और अभी वो लेके जा रहे हैं हमें अमेर फोर्ट के लिए। Now today I'll be at ease because last 2 days I am riding the bike and it's scary out here. Riding a bike here is a scary affair for sure. Now I'm relaxed and I'll enjoy the Jaipur traffic and I'll see you in a bit. We have reached and this is how it looks in the night. पूरा वहाँ से लेके यहाँ तक आने के लिए साइड साइड में छोटे बल्ब है, दैट्स द ओनली इल्यूमिनेशन, और वरना कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है। मोटा जलाशय में मगरमच्छ है, ओके दैट्स वाई यू कैन नॉट एंटर इट। पता नहीं सच में है कि डराने के लिए रखा है, बट दैट इज़ फाइन। यहाँ से एंट्री है लाइट शो के लिए। वाओ, लेक के ऊपर ब्रिज, शो चल रहा है, अंग्रेजी वाला शो चल रहा है और हमारा शायद हिंदी वाला शो है एज पर बुक माई शो। अभी टिकट एक्सेप्ट होते हैं कि नहीं देखते हैं, हमने बुक माई शो से बुक किया था। ओके सो दिस इज़ द टिकट काउंटर अंबर फोर्ट। शो टाइमिंग्स 6:30 इंग्लिश, 7:30 हिंदी एंड चार्जेस 250 पर पर्सन। हेयर यू कैन बाय द टिकट। हमारा शो है 7:30 बजे, सो वी विल बी वेटिंग एंड दिस इज़ द वेटिंग एरिया, रिफ्रेशमेंट काउंटर, और हम लोग अभी यहाँ पे वेट करेंगे। जयपुर के ट्रैफिक से जूझते हुए हम लोग यहाँ पे पहुँचे। सो थोड़ा सा डिटेल्स दिया था उन्होंने। बेसिकली व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू कम 10 मिनट्स बिफोर द शो। उसके बाद यू नीड टू पुट योर मोबाइल ऑन पावर ऑफ मोड और एरोप्लेन मोड। बेसिकली जाते वक्त वो आपसे फीडबैक भी लेंगे टू इम्प्रूव। इफ़ यू हैव एनी कंप्लेंट्स और फीडबैक यू कैन शेयर, दैट्स हाउ इट इज़। और फिलहाल ये ब्रिज काफ़ी खूबसूरत लग रहा है एंड इट्स लाइक वी हैव बुक्ड द शो फ्रॉम द bookmyshow.com। वहाँ से भी आप डायरेक्ट बुक कर सकते हो। हमें वो पड़ा अराउंड 572 क्योंकि 70 रुपीज़ समथिंग चार्जेस थे बुक माई शो के। और यहाँ से अगर आप डायरेक्ट बुक करोगे सो इट विल बी अराउंड 500 रुपीज़। सो बस उतना डिफरेंस है, बट या एटलीस्ट देर विल बी अ सर्टिनिटी दैट यू हैव द टिकट्स इफ़ यू बुक फ्रॉम द बुक माई शो। क्योंकि यहाँ पे मैंने सुना है कि टिकट्स अवेलेबिलिटी कभी होती है कभी नहीं होती है, ठीक है। एनीवेज मैं शायद उल्टा चल रहा था, लाइट ये साइड है। एनीवेज सो हमने हमारा प्रैक्टिस ख़त्म किया है, चाय ख़त्म किया है एंड वी विल वेट फॉर द शो टू बिगिन। जैसे ही चालू होता है प्रोबेबली आई विल रिकॉर्ड। चलो कुछ ही क्षणों में। ओके सो वी हैव एंटर्ड द प्रीमाइस। सामने है अमर फोर्ट। एंट्री लेने के बाद हम लोग सीधा ऊपर यहाँ पे आए हैं जहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट है। शो के दौरान किसी भी तरह की कमर्शियल, फिलहाल तो ये पूरा सेक्शन खाली है, निषिद्ध है। यहाँ पे थोड़े लोग हैं। देवी और सज्जनों कुछ ही क्षणों में आमेर साउंड एंड लाइट शो दे आर अनाउंसिंग। पलछिन पलछिन कोई घड़ी रुकती नहीं, सुबह दिन शाम रात मुक्ति नहीं, इतिहास को वक्त से मुक्ति नहीं क्योंकि वो सदा चलता रहता है। सूर्य को मुख बहुत लाल है आज, कुछ ज्यादा ही तेज में लगे है। सूर्य वंशियों के चेहरों पर ऐसा ही तेज हो गया है। दूल्हे राय ने बसाया, उन्होंने रामगढ़ में जमवाई माता का मंदिर बनवाया और
जमवाय माता कछवाहों की कुल देवी बनी। ये जगह चील का टीला ही कहलावे है और ये इलाका मीणा परिवार के राव भट्टू के राज में पड़े है। पड़े है नहीं स्वरूप जी, पड़े था। महादेव का अम्बिकेश्वर नाम से एक मंदिर बना, अम्बिकेश्वर से ही उसे आमेर का नाम मिला। बनते ही उन्होंने किले की दीवारें खड़ी करनी शुरू कर दी। वो इस किले की शुरुआत थी और उसके बाद अगले 700 साल तक आमेर कछवाहा खानदान की राजधानी रहा। 16वीं शताब्दी में जब मुगल आए तो इतिहास ने एक बार फिर करवट ली जो हिंदुस्तान की तवारीख में युगांतकारी साबित होने वाली थी। 1526 में पानीपत में बाबर ने इब्राहिम लोदी को शिकस्त दी। बनारस में तुलसीदास रामचरितमानस की रचना कर रहे थे। रघुकुल रीति सदा के तेवर भी हैं उनमें और धर्म की श्रद्धा भी। अफरीदी, रोशनिया, यूसुफ जई, तारिकी और गौरी कबीलों के अलग अलग रंग के झंडों को मिलाकर राजा मानसिंह को सौंप दिया जिससे आमेर का अपना पंचरंगी झंडा बना। ये पंचरंगा आजाद हिंदुस्तान का तिरंगा आने तक उसी शान से लहराता रहा। 18 नवंबर 1727 को एक नए शहर की नींव डाली गई, जयपुर, और अपनी राजधानी आमेर से बदल ली।